भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। तीसरे चरण के ट्रायल डेटा में यह 77.8% असरदार साबित हुआ है। भारत बायोटेक की तरफ से केंद्र सरकार की कमेटी को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन को बनाने वाली भारत बायोटेक ने इससे जुड़ी तीसरे चरण में क्लिनिकल ट्रायल के ड्रैग को कंट्रोल ऑफ इंडिया से साझा कर दिया है। तीसरे चरण का डेटा मिलने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को मीटिंग की थी। इसमें कोवैक्सीन की तरफ से ये जानकारी सौंपी गई है। बता दें कि कोवैक्सीन को इन ट्रायल के नतीजे आए बिना ही करीब 5 महीने पहले आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी। बिना ट्रायल नतीजे के मंजूरी मिलने पर तब काफी विवाद भी हुआ था। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।